गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट्स, जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर का वीडियोस मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। 3 पार्ट्स है, उनको आप कंटिन्यूसली देख लीजिएगा, इजीली है। सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा है कोर्स में। थर्ड चैप्टर आपका ड्रेनेज सिस्टम मैं आज स्टार्ट करवा रही हूँ, और ये भी ईजी है क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसके अंदर मैंने फिजिकल फीचर्स के बारे में भी बता दिया है सारी चीज़ों के बारे में। तो उसके अंदर एक मेन पॉइंट आया था रिवर्स, उसके इंडिया में कौन कौन से रिवर्स है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है अच्छे ढंग से तो यू हैव कवर दिस चैप्टर ऑल्सो। इसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं हम कि जो लार्ज एरिया है, लार्ज स्केल फ्लोटिंग वुड हैव ऑकर्ड, आपने देखा होगा रिवर्स क्या होती है। These channels not been there, जो channel होती है, अब आपको इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसे। The flow of water through well drained channel is known as drainage, underline कर लीजिएगा what is drainage का answer है ये। And all networks of such channel canal is called drainage system, पूरा जो canals बनती है उसे क्या कहते हैं, चैनल जो होता है उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न इज ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टॉपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि आपको रिवर्स किस किस चीज़ों पे, रिवर्स का जो फ्लो पैटर्न है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो सबसे पहले रॉक्स पे, टॉपोग्राफी पे, स्लोप पे और वाटर फ्लोइंग पर डिस्कस करता, वो डिपेंड करता है। अब आपको आता है कि जो रिवर्स के बारे में आपको बताया गया है कि रिवर्स जो होती है सेम डायरेक्शन में सेम कैसे बैठते हैं, कैसे आती है, वो आपको इसमें इजीली बताया जाएगा। आपने पहले भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, इसमें पहले भी 10th तक एक चैप्टर आया हुआ है अच्छे ढंग से। सो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थन इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट इन द सदर्न इंडिया, फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट एंड डिस्चार्ज दीज वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। आपने पढ़ा होगा कि जो रिवर्स थी वो किस ढंग से नॉर्थ में हिमालय से और साउथ में जो वेस्टर्न घाट से निकल कर ईस्टर्न घाट में बे ऑफ बंगाल तक जाती है, आपने यहाँ पढ़ा है। अब रिवर्स के बारे में आता है, रिवर ड्रेनेज द वाटर कलेक्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड द कैचमेंट एरिया, उसे क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। एन एरिया ड्रेनेज बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। स्टूडेंट, इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्हाट इज कैचमेंट एरिया एंड व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिड में से बनते हैं। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नॉन एज द वाटरशेड, उसे क्या कहते हैं, वाटरशेड कहते हैं, जो कि सेपरेट करती है किसी को। द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन व्हाइल दोज ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड रिल्स आर ऑफन रेफर टू ऑफ वाटरशेड। आपको पता है जो कैचमेंट होती है वो लार्ज एरियाज को कवर करती है जो रिवर बेसिन के होते हैं, जबकि छोटी जो रिवर्यूटरी होती है, रेल्स होती है, वो एक दूसरे से थ्रू कैचमेंट से अटैच होती हैं। दिस इज हाउ ए साइड डिफरेंस बिटवीन ए रिवर बेसिन एंड अ वाटरशेड। वाटरशेड आर ए स्मॉल एरिया, एक छोटा एरिया होता है, वाइल द बेसिन कवर अ लार्ज एरिया। जो वाटर शेड होता है वो छोटा सा एरिया कवर करती है, जबकि बेसिन, रिवर बेसिन क्या कहलाता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। रिवर बेसिन एंड वाटर शेड, फर्स्ट क्वेश्चन इसी में ये बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर शेड एंड वाटर बेसिन। रिवर बेसिन एंड वाटर शेड आर मार्क बाय यूनिटी। What happened in one part of the basin or watershed directly affected to the parts and the unit as a whole. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso or macro planning region. बड़े एरिया को कवर करने का काम कौन करता है, रिवर बेसिन करती है। अब इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया गया है बहुत सारे बेसिस पे। सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ वाटर के आधार पर क्या कि कैसे कैसे समुद्र में गिरती है। इट मे बी ग्राउंडेड ग्रुप्ड बनाए गए हैं, एक तो अरेबियन सी में ड्रेनेज होता है कि भाई जो नदियाँ अरेबियन सी में गिरती है, दूसरा है बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फॉर डेली राइजेज, मतलब दिल्ली बीच में आ जाता है इसलिए दोनों कट जाते हैं। द अरावली एंड द सायद्री, सियाद्री क्या होता है, एक फिगर बनाया गया है जो आपको बाद में बताऊंगी मैं मैप में। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज आर कंसिस्ट ऑफ द गंगा
एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द महानदी एंड द कृष्णा. और ये 77% जो पूरा एरिया है वो पानी का जो फ्लो है वो कौन कवर करता है, वो कवर करता है यही गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी बेसिन. अब आता है 23% जो होता है वो बे ऑफ जो 77% पानी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है. 23% जो है वो अरेबियन सी में गिरता है जिसे नर्मदा ताप्ती और माही पेरियार सिस्टम कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटरशेड, वाटरशेड का जो साइज होता है, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. पहला है मेजर रिवर बेसिन जो कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया को कवर करता है और 14 ड्रेनेज ब्रांचेज है उसके अंदर, जिसके अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा भी आती है. ठीक है, इसके बाद आता है इसके बाद जो आता है वो आता है साबरमती बैंक ब्राबार्क मीडियम रिवर जो 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है. उसके अंदर 44 रिवर्स आती है जिसके अंदर कालंदी, पेरियार और मेघना रिवर्स आती है. थर्ड आता है माइनर रिवर बेसिन आता है, वो आता है कैचमेंट एरिया, उसके अंदर 2000 से भी कम वाटर फ्लो आता है. अब आपको फिगर देखना है 3.1 में. यू कैन सी द मेनी रिवर्स हैव द सोर्सेज ऑफ हिमालय डिस्चार्ज देयर वाटर आइदर इन बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. इन रिवर्स को आप देखेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है. मैं आपको बता देती हूँ किस ढंग से. आप इधर देखेंगे, सबसे पहले मैप है ये इंडिया का, इसके अंदर आप देखेंगे ये नॉर्थ साइड आ गया, ये हिमालय आ गया. मैंने फिजिकल फीचर्स में भी आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया था. गंगा रिवर ये रही, इसके बाद यमुना रिवर आ गई, इसकी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं जिसे गंगर कहते हैं, गंडक कहते हैं, कोसी, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की. ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होके ये भी बे ऑफ बंगाल में ही आती है. नेक्स्ट आता है हमारा इंडस रिवर, इंडस रिवर यहाँ से शुरू होके ये यहाँ पर ब्यास रिवर, चेनाब, झेलम, सतलज, ये सारी इंडस रिवर कहलाती है. सो ये नॉर्दर्न साइड की है. इसके बाद यमुना की ही सहायक नदी, एक जो अरावली रेंजेस है यहाँ पे, साबरमती, माही, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है साबरमती माही, ये भी अरेबियन सी में गिरती है. नर्मदा, तापी, चंबल और बनास, बेसवा, ये सारी जो रिवर्स है ये नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है और इनके द्वारा बे ऑफ बंगाल और इसमें गिरती है. अब आ जाता है हमारा, इसके अंदर आ जाता है अरेबियन सी. आइडेंटिफाई दीज रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, लार्ज रिवर फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेटू हैव देयर ओरिजिनेट, लार्ज रिवर पेनिनसुलर प्लेटू एंड देयर ओरिजिन वेस्टर्न घाट से भी डिस्चार्ज होती है एंड दिस वाटर बे ऑफ बंगाल में गिरती है. अब आ जाता है दीज रिवर ऑफ द साउथ इंडिया की रिवर्स में बता देते हैं. नर्मदा, तापी आर द टू रिवलाज रिवर विच एक्सेप्शन दे अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल रिवर डिस्चार्ज दीज वाटर आर अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में गिरते हैं. अब आता है नेम दीज रिवर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन फ्रॉम कोंकण टू मालाबार कोस्ट, ये क्वेश्चन बनता है बेटा. कौन कौन सी रिवर्स है जो कोंकण और मालाबार हिल्स के बीच में आती है. On the basis of the mode of original nature characteristics, Indian drainage may also be classified into Himalayan drainage and peninsula. दो drainage system में मान काटा गया है, एक तो हिमालय में एक peninsula में. Although it has the problem of including the Chambal, बेटवा, सन, अभी मैंने आपको बताया जो कि चंबल वगैरह की सहायक नदियां हैं या उनकी ट्रिब्यूटरीज है, ओरिजिन इन द हिमालय से ओरिजिनेट होती है. इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दीज स्कीम ऑफ वेल फॉलो इन दिस बुक. अब आता है नेक्स्ट वीडियो मैं आपका दूंगी ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया का, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपका इसके बाद देखेंगे. थैंक यू.